પંડિત જી શાંતિ રાખો થોડા હવે.
जननी जगदम्बा की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सत्संग की जय। किसी भी कार्य के शुभारंभ में सर्वप्रथम हम देवाधिदेव महादेव के पुत्र श्रीमन महाधिपते गणेश जी का वंदन करते हैं। तो थोड़ा प्रश्न उठता है कि गणेश जी सभी देवों में पूजित क्यों, कैसे? शिव ने पुत्रों के ज्ञान की परीक्षा ली, विवेक की परीक्षा ली और कहा कि जो समस्त पृथ्वी मंडल का परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा तो सभी देवताओं में पूजित माना जाएगा। स्वामी कार्तिकीय का जो वाहन है ना, वो मोर है और मोर की गति बहुत ही तीव्र है। उनको लगा हम जल्दी से कर लेंगे। गणेश जी ने सोचा कि मेरा मूषक मंद गति से चलने वाला है, तो उन्होंने अपने माता पिता को ही सर्वस्व सर्व सृष्टि का निर्माता संहार करता पालन करता माना और अपने माता पिता के ही परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत कर लिया। कार्तिकेय जा रहे हैं, जहां जहां जाते हैं वहां चूहे के पदचिन्ह भी मिलते हैं। अस्तु, अगर माता पिता की परिक्रमा करने से माता पिता के चरणों में समर्पित भाव रखने से गणेश जी सभी देवताओं में पूजित हो जाते हैं, तो मेरे भाई बहन अगर माता पिता की सेवा आप करोगे तो आप भवमुक्त हो जाओगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। रामचरितमानस की भी बात करें, श्रीमद् भागवत की बात करें, गीता की बात करें, तो सब जगह यही बात बताई गई है, मातृ पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये भारतीय संस्कृति है। सनातन के 5 स्तंभ हैं। सनातन के 5 स्तंभ हैं, गौ, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता। जो इनके शरणों में जीता है उसका संपूर्ण जीवन आनंद में बीतता है। गौ, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता। और अगर हम इनसे विमुख हो जाएं तो आपके सम्मुख कोई आएगा नहीं। अस्तु, जब तक आपके अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी तब तक आपकी बंदगी भी किसी काम नहीं आएगी। फिर बंदन और चंदन दोनों किसी काम का नहीं होता है। आए एक बार देवाधिदेव के सुपुत्र श्रीमन महंत गणपति जी का चंद पंक्तियों में स्तुति। मुदा करात मोदकं सदा विमुक्ति स
कम कला धरावतम सकम विनाशिते वेदेतकम विनाशिते भेदेतकम् गजानन श्रवण करने से उतना लाभ नहीं है जितना आचरण में उतारने से। एक बार की बात है,
भगवान राम, जानकी और लखन आसन पे विराजित हैं। मां जानकी ने कहा, मेरे चरण बड़े सुंदर हैं। राम जी कहने लगे, मेरे चरण बड़े सुंदर हैं। अब प्रश्न भी लक्ष्मण जी से कहा गया कि बताओ किसके चरण सुंदर हैं। फैसला लक्ष्मण पे। बड़ी विषम परिस्थिति आती है ना। माता श्री की बात है, माता श्री की अगर प्रशंसा करते हैं तो भ्राता श्री दुखी हो जाएंगे, और अगर भ्राता श्री की बात करते हैं तो माता श्री दुखी हो जाएंगे। अब ऐसी हालत में तो भाई चिंतन की आवश्यकता है। मौनम सर्वत्र साधनम। एक ही समय पे आपके द्वार पे दो पार्टी के नेता मतदान मांगने आ जाएं तो कैसा होगा? कहीं कास्टरिज्म है, कहीं कुछ है, तो चिंतन की व्यवस्था है कि एक शब्द से संतुष्ट करना। और वेदांत कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। लक्ष्मण जी मौन रहे, दो पल मौन रहने के बाद कहने लगे, चुपके से मां जानकी की पैरों की वो इशारा किया। जानकी आनंदित हो उठी। कुछ पल के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि मां आपके चरण सुंदर नहीं है। जानकी ने कहा, वाह, एक बार तो आप कहते हो मेरे चरण सुंदर हैं, अभी कुछ ही पलों में दल बदल दिया। अब आप कह रहे हो मेरे चरण सुंदर नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने बड़ी ही प्रिय भाषा में कहा, मां आपके चरण सुंदर हैं अपितु, लेकिन आपके चरणों की अपेक्षा मेरे श्री राम के चरण सुंदर हैं, क्योंकि अगर राम ही नहीं होते तो आपके चरण इस घर में कदापि नहीं आते, क्योंकि भारत में यति और सती पे सब कुछ स्वरूप है। पूरी सृष्टि रूप और स्वरूप पे टिकी है। कुछ बालक कहते, महाराज भगवान का क्या स्वरूप है ना? ये दरिया शब्द है ना, ये वृक्ष शब्द है ना, तो शब्द और स्वरूप पे सब टिका है, और अगर ये दोनों खत्म हो जाए तो सृष्टि भी नहीं है। पर निर्भर है संबोधन कैसे करना। अब राम जी से कहते हैं, महाराज आपका भी चरण सुंदर नहीं है। मामला थोड़ा अटपटा सा हो गया। मैं कहा, अच्छा पर मुझ में क्या कमी है? चित्त शुद्धि से, या चित्त शुद्धि नहीं हो तब तक आप हरि चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन नहीं हो चरित्र नहीं, चरित्र नहीं अनुराग नहीं, अनुराग नहीं वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं। यहां तक तो शोभित है। सती के बिना शिव, प्रकृति के बिना पुरुष, राधा के बिना श्याम, और स्वर के बिना ताल, सब अधूरे हैं। पर लक्ष्मण मुझ में क्या कमी है? कहने लगे, प्रभु आपका चरण नहीं सुंदर है, सुंदर है आपका आचरण, क्योंकि जब तक आचरण सुंदर नहीं होगा चरण की उपासना पूजा कभी नहीं हो सकती। फिर चरण किसके सुंदर हैं? मां कौशल्या के,
जिन्होंने राम को जन्म दिया? नहीं, मेरे चरण सुंदर नहीं है। फिर किसके सुंदर हैं? दशरथ के? बोले नहीं, उनके भी नहीं सुंदर हैं। फिर किसके चरण सुंदर हैं? हर्षित भाव से दशरथ जी ने कह दिया, चरण सुंदर हैं तो गुरु वशिष्ठ के, जिनके चरण रज की उपासना करने के बाद मैं एक नहीं चार चार पुत्रों को पा लिया। अस्तु, दुनिया में अगर कोई सुंदर है तो वो गुरु का चरण है। इसलिए अगर गुरु नहीं, गु अंधकार, रु प्रकाश, अंधकार से प्रकाश का जो मार्ग दर्शन कराए उसे हम गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु की आवश्यकता है? गुरु तो 24 होते हैं, गुरु मिले तो एक आए। एक बार गुरुदेव के चरणों में वंदन हम भी करते हैं और आप सारे लोग गाएंगे, आनंदित तो होकर गाएंगे, हर्षित तो होके गाएंगे, प्रफुल्लित तो होके गाएंगे। गुरु की भक्ति में आए तो रोम रोम हर्षित तो हो उठे, उल्लासित तो हो सके। एक पल के लिए ही सही इस दुनिया के भोबंध से दूर हो जाए। सदगुरु के सानिध्य में आना है तो आना कैसे? साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि गुरु मिलने को जाए, तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो, कोटि नय के समान, सब लोग गाएंगे। सत्संग में आए तो इस शरीर से एक साथ तीन काम करिए। पहला, नेत्रों से हरि दर्शन की अभिलाषा, जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण और इन हाथों से मधुर करतल। ते तमारी ज्ञान इंद्रिया ने कर्म इंद्रिया एकत्र थाए तो पछी हरिभजन में मन लागे। आप लोग गुजरात में कहे ना, राम जी ना नाम नो माला छे डोक में, हरिभजन में एनु मातो दुखाय छे। अने खोटू बोलो मां शू थाय छे तमने खबर हो, मारे कहवानू छ नहीं। चंद पल गुरु जी के चरणों में सानिध्य अर्पित करते हैं। हमेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरु देव समरिया मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरु देव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया।
जिंदगी में गुरु को भजा कीजिए, जिंदगी में गुरु को भजा कीजिए, जीवन का जीवन का अच्छे से मजा लीजिए, जीवन का रस से मजा लीजिए, जीवन का रस से मजा लीजिए, थोड़ा थोड़ा गुरु को भजा कीजिए, थोड़ा थोड़ा गुरु को भजा कीजिए, जीवन का अच्छे से मजा लीजिए, जीवन का अच्छे से मजा लीजिए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन गुरु से क्या कहती है। नरेश खंडेलवाल जी, ये सौभाग्य से मिलता है, कुछ पड़ोस में से यहाँ नहीं आ पाएंगे, आपको बिहारी जी ने बुलाया तो आप महाराष्ट्र से आ गए, गुरु की कृपा है। ये जीवात्मा कहती है अपने गुरु से, मेरे भाई बहन रोना है ना तो गुरु के पास रोना, ये दुनिया वालों के पास नहीं, बंद दरवाजों में आवाज लगाया ना करो, लोग बहरे हैं इन्हें दिल की सुनाया ना करो, ये जीवात्मा गुरु से कहती है क्या करुण भाव में। गुरु जब से जग में आया, गुरु जब से जग में किस्मत में ऐ मानो सदा खोना ही खोना है, भटकता जिस दहा में तू वहां खोना ही खोना है, पाना अगर है तो आ दरबार मेरे सतगुरु के, वहां मिट्टी ही मिट्टी है और यहां सोना ही सोना है। गुरु जब से जग में आया, गुरु जब से जग में आया, पल भर कहीं चैन न पाया, पल भर भी चैन न पाया, हमने संस्कार,
जीवात्मा की आसुरी शक्तियां हैं, काम क्रोध मद मोह मच्छर। ये जीवात्मा कहती है, गुरुदेव जब भी मैं तेरे सानिध्य में आना चाहूं ये पांच मुझे भटका देते हैं। मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया, पांच लुटेरों ने लूट लिया, मुझे पांच लुटेरों ने लूट लिया, पांच लुटेरों ने लूट लिया। कर मन के ऊपर उठाए और मेरे साथ आप सारे लोग बोलेंगे क्या, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, ओ हरि शरणम बोलो, गुरु शरणम, हरि शरणम बोलो, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम बोलो, हरि शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, हरि शरणम बोलो, गुरु शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, हरि शरणम बोलो, गुरु शरणम, गुरु शरणम बोलो, हरि शरणम, शरीर लग रही कमरे में, तस्वीर लग रही कमरे में, तस्वीर लग रही कमरे में, तस्वीर
बात रसीतल हुआ शरीर लोग रही कमरे में तस्वीर लग रहे कमरे में तस्वीर मेरा कोई न सहारा मिलु तेरे गुरुदेव समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा मिलु तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। चंद पल मधुर संकीर्तन करेंगे लेकिन उससे पहले आरती उतार लें क्योंकि समय ये जो चंद पल का आवरण या वरण किया जाता है इसका मूल मात यह होता है कि कुछ श्रोता समय से विलंब होकर आते हैं तो कहीं उनसे वो कथा श्रवण की तारतम्यता से वंचित ना रह जाए, इसलिए चंद पल संकीर्तन व्याख्यान की व्यवस्था है। आरती उतारने के लिए तत्पर हो जाए और शेखावत जी से मैं चाहूँगा कि आपके आयोजन में महाराष्ट्र से चलकर हमारे शिष्य नरेश खंडेलवाल जी आए हैं तो इनका थोड़ा स्वागत सम्मान तालियों से हो जाए और आरती उतारे और कुछ पहाड़ पहनाया जाए। आरती अति पावन पूरा मन I'm not afraid.
भक्ति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की सत सत विलास विमोह विलासनी विषय विलास विमोह विलासनी विषय विलास विमोह विलासनी विमल विराग विवेक प्रकाशनी विमल विराग विवेक प्रकाशनी भगवत तत् रहस्य परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।
अपने माता पिता की हो, नगर वस्ती की हो, आज के आनंद की हो, सत्य सत्संग की हो, भागवत भगवान की जय, राम बिहारी लाल की जय, धर्म की हो, धर्म की हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या आरती समर्पयामि उमापते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यथा उचित स्थान ग्रहण करें, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, भाव की निर्मलता और मानस पटल पे अपने बिहारी की छवि को अंकित करके ही कथा श्रवण का आनंद लिया जाएगा। मन की मत सुनो, ये तो किधर भी रस लेने भाग जाते हैं। मन की नहीं सुनना चाहिए हा? कि मन मतंग माने नहीं, जबलों खता ना खाए, और जैसे मक्खी गुड़ में पंख रही लपटाए, है ना? ये मन तो किधर भी भागता है, विचलित है, ये कहीं भी बैठेगा। लेकिन अपने विवेक को शून्य मत होने दो, बुद्धि में स्थिरता रखो, कथा में श्रवण के लिए, जीवन जीने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन जीने के 8 प्रकार के नियम होते हैं, और जो इन नियम में चलता है उसी से प्रेम हो जाता है। और चाहे प्रभु को पाना हो या जिंदगी में सुख को पाना हो, तो एक सबसे बढ़िया बात आप लोग सीख लीजिए, वो बात ये है कि अपने आप में प्रसन्न रहना सीख लीजिए। जिस दिन आप स्वयं में प्रसन्न रहेंगे ना, उस दिन प्रभु भी मिल जाएगा। और जो व्यक्ति प्रसन्न रहना ही नहीं सीख सकता, उसे ना तो जीवन का सुख मिलेगा, तो मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी। भागवत कथा कल के प्रसंग में हमने बताया कि देवताओं को नहीं सुनाया गया, और कहा गया कि आपके अंदर ये पात्रता नहीं है। किम कांचन किम माणिक्यम, कहां खोना, कहां मणि, कहां सीसा, कहां हीरा। देवताओं ने कहा कि मैं अमृत का कलश लाया हूं, ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो, बदले में मुझे भागवत कथा सुना दो। लेकिन देवताओं ने निराशा का ही सामना करना पड़ा। जो श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को सुखदेव जी ने नहीं सुनाया, वो भागवत कथा का श्रवण अगर आप कर रहे हो तो कई जन्मों के प्रारब्ध के उदय के बाद यह अवसर आया है, और इसे गंवाना नहीं चाहिए। भागवत कथा में या रामचरितमानस में नव भक्ति बताई गई है। शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया गया था। नौ प्रकार की भक्ति करी जाती है, और आपको उसमें से जो सबसे मूल है वो भी मिल रहा है, और नौ के नौ मिलने वाले भी हैं। व्याख्यान करता रहूंगा समय समय पे। जीवन में सबसे पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा।
सर्वप्रथम भक्ति संतों का सानिध्य पाना है। अनेक प्रकार से फिर भक्ति का व्याख्यान समय आते करेंगे। पाद्य सेवा, निवेदन, संकीर्तन, इस तरीके से भक्ति की जाती है। लेकिन जब भी प्रभु को पाना है तो विचारों की गति को शून्य रखना, विवेक को शून्य रखना, बुद्धि को स्थिर रखना, और जब कभी संतों के सानिध्य में बैठे, गुरु का सानिध्य मिले, तो शेखावत जी कान खुले मुंह बंद है? संतों के सानिध्य में जब बैठो तो कान खुले और मुंह बंद होना चाहिए। मनन चिंतन। अब हम कथा करने जाते हैं तो बहुत लोगों से समावेश। एक तो विडंबना है मेरे साथ, मेरी उम्र छोटी है और पद बड़ा है, राष्ट्रीय संतों की श्रृंखला में आते हैं। और दूसरा, मेरा बोलने का स्टाइल जो है ना, स्ट्रेट फॉरवर्डर है। तो इसलिए मैं हर रोज कथा में आप लोगों से कहूंगा कि श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस व्यक्ति के जीवन पे आधारित है। अगर मेरे कोरी शब्द किसी को लगे तो ये मत बोलना कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, क्योंकि ये वो गद्दी है जहां सत्य ही बोलना चाहिए। पहले ही निवेदन कर लेते, 19 साल पहले की बात है, तो मैं महामंडलेश्वर नहीं बना था और आपके पोरबंदर में एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ, मधुभाई मेहता और ये लोगों ने करवाया।